स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो अनुपमा में अब तक देखा गया कि काव्या हॉस्पिटल में वनराज को देखने के लिए आती है और वो वनराज की हालत को देखकर बुरी तरह से टूट जाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। हालांकि इस समय अब दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन वही वनराज के ठीक हो जाने के बाद बा सभी से कहती है कि अब वनराज घर लौटकर वापस आएगा, लेकिन वही काव्या बा की बातों से सहमत नहीं होती है। लेकिन वही अब वनराज अपना फैसला खुद सुनाता है और वो बा के साथ अपने घर जाने का फैसला करता है, जिससे बा काफी खुश हो जाती है। लेकिन वही तब काव्या शांत हो जाती है और काव्या तब शांत हो जाती है जहां अब वनराज को अनुपमा और परिवार के साथ जाते हुए देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वहीं काव्या अब एक जुनूनी प्रेमी के रूप में बदल जाती है और वो वनराज को पूरी तरह से बर्बाद करने की शपथ लेती है। और वहीं अब काव्या वनराज अनुपमा को तकलीफ देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आगे की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।